देखिए मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला दी। अब हमें बार बार मनुस्मृति को जलाने की जरूरत नहीं है। हम उस विचार को खत्म करने के लिए काम करें जो समाज में आज भी भेदभाव और छुआछूत का काम कर रहा है। घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं निकालने दी जाती, हमारे लोगों को चप्पल पहन के उनके घरों से आगे से नहीं निकलने दिया जाता। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज है 25 दिसंबर और आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को इस देश ने एक ऐतिहासिक कदम देखा था और वो ऐतिहासिक कदम था हमारे बाबा साहेब द्वारा उठाया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने आज के दिन मनुस्मृति जो उस वक्त का कानून था और जिसके आधार पर आज जो जाति व्यवस्था है, जो भेदभाव है, जिसके आधार पर आज ऊंच नीच असमानता अभी भी विद्यमान है कहीं ना कहीं, उसको चलाया जा रहा था। जब बाबा साहेब ने उसे जलाया उसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि अब समाज में इस तरीके का कोई भी काला कानून नहीं माना जाएगा। पैदा होने के आधार पर, आपके जन्म के आधार पर आपको ब्राह्मण या शूद्र बता देना, ये कहीं का न्याय नहीं है। और ऐसे अन्याय को, ऐसे असंविधान को वो नहीं मानते। और उसके बाद जब उन्हें मौका मिला संविधान लिखने का, तो ठीक इसके विपरीत उन्होंने सबको एक समान, एक स्वतंत्र और एक जैसा सबको व्यवहार करने वाला संविधान दिया, जिसके आधार पर आज आप हम सभी अपने अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाते हैं। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जेवर में, जहां से आज 25 दिसंबर की इस तारीख को बौद्ध महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये जो सोसाइटी है भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन, इनकी ओर से ये किया जा रहा है। हर साल इस तारीख को, इस दिन को महोत्सव के तौर पर ये मनाते हैं और बाबा साहेब के उस एक कदम को जिसने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया, उसको उत्साह के तौर पर मनाते हैं। आज हमारे साथ तो पूरी टीम है और अलग अलग दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पे ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। विनोद जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आप हर साल ये प्रोग्राम मनाते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जो क्रांति की थी उसके बारे में जन जन को पता लगे, बहुजन समाज को ये पता लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला के हमारी गुलामी को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। इसलिए हम इस उत्सव को हर साल मनाते हैं और ये हमारा बौद्ध महोत्सव एक उत्सव है जो तेजी से समाज में बदलाव पैदा कर रहा है। हर साल इसको बड़े लेवल पर मनाया जाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मनुस्मृति बाबा साहेब ने जब उसे जलाया, लेकिन उसके बाद भी आज कहीं ना कहीं समाज में वो विद्यमान है। लोगों के मन में जब वो अपनी बात रखते हैं समाज में, तो उनकी बातों में परिलक्षित होता है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी उसी संविधान के तौर पर काम करते हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, भारत देश में जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, जब से मनुस्मृति का जो चलन है वो बहुत कम हुआ है, पर जो व्यवहारिक रूप से है, जो लोग उसके मानने वाले हैं, जो लोग उसके चलाने वाले हैं, वो आज भी ये चाहते हैं कि मनुस्मृति एज इट इज लागू रहे। परंतु भारत वर्ष में बौद्ध अनुयायी और बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिपाही हैं, वो दिन रात समाज को जागरूक करके उसका प्रभाव कम करने में लगे हैं। वो समाज को जागरूक कर रहे हैं कि हमें समानता से रहना है और हमें किसी से जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत नहीं करनी है और मनुस्मृति जैसे अमानवीय ग्रंथ को हमें ठुकराना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मैं देख रही हूँ कि आपने लोगों को यहाँ पे एक महोत्सव का माहौल दिया है, बड़ी खुशी से इसको आप मना रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनका आज के दिन उनके सीनों पर सांप लौट जाते हैं कि मनुस्मृति को जलाना ये कहाँ का न्याय है, मनुस्मृति को वो सही बताते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना है? देखिए, मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला दी। अब हमें बार बार मनुस्मृति को जलाने की जरूरत नहीं है। हम उस विचार को खत्म करने के लिए काम करें जो समाज में आज भी भेदभाव और छुआछूत का काम कर रहा है। घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं निकालने दी जाती, हमारे लोगों को चप्पल पहन के उनके घरों से आगे से नहीं निकलने दिया जाता, हमारे लोगों को उनके जो हमारे लोग हैं उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता, आज भी बहुत सारे नल को छूने से हमारे बच्चों को मारा जाता है। तो हमें उसके विचार को खत्म करना है। मनुस्मृति को तो बाबा साहब जला चुके हैं, हमें बार बार मनुस्मृति जलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब आप इस दिन को महोत्सव के तौर पर मना जी हम इसको सकारात्मक रूप से समाज को दे रहे हैं
कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दिन हमें आज़ादी दिलाई थी, ये दिन हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, इसलिए बौद्ध महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मनुस्मृति को अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें सिर्फ जो वंचित या शूद्र अति शूद्रों के लिए ही नियम नहीं थे, बल्कि महिलाओं के लिए भी कहा गया था कि महिला को शादी से पहले अपने पिता के संरक्षण में, शादी के बाद अपने पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों यानी कि बेटे के संरक्षण में रहना होगा। यानी एक महिला को मनुस्मृति के हिसाब से हमेशा किसी ना किसी पुरुष के संरक्षण में रहना होगा। कुछ इस कदर की उसमें विधान थे और उन विधानों पर हमारा देश चल रहा था। उन विधानों को मिटाकर बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया जो आज महिलाओं को, पुरुषों को, बड़ी ब्राह्मणों को और दलितों को, सबको एक समान एक नजरिए से देखता है। इसके साथ ही मनुस्मृति में एक ही दंड, एक ही अपराध के लिए दंड के प्रावधान भी अलग अलग थे, और आज आप देखते हैं कि जो संविधान है उसमें जो दंड प्रावधान है वो चाहे कोई राजा हो या रंक हो, सबके लिए एक समान है। कोई ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सबके लिए समान है। लेकिन आज भी जैसा कि विनोद जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मनुस्मृति की जो सोच है वो लोगों में है। इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? इस प्रोग्राम से पूरे देश में, ना केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में हम ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन बाबा साहब ने जो हमें आज़ादी दी थी और आज़ादी के बाद का जो जश्न हम लोगों को मनाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो हम तिरंगा फहरा करके स्कूलों में मनाते हैं, जो कि मात्र 200 साल की गुलामी से हमको आज़ादी मिली, लेकिन बाबा साहब ने तो हमें 2500 साल की गुलामी से आज़ादी दी थी। तो उस गुलामी से आज़ादी का जश्न कितना गुना होना चाहिए, ये संदेश लेकर के हम पूरे, ना कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में निकले हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के कम से कम 25 जिलों में और 50 जगह ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, साथ ही साथ हरियाणा और राजस्थान में भी बहुत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज़ादी का जश्न बहुत अच्छे से हम लोग घर घर तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। हमारा संदेश भी है, घर घर दीप जलाएंगे और बहुत महोत्सव मनाएंगे। आप लोगों ने कहा कि शाम को सभी जो लोग आए हैं शाम को अपने घरों में दिया जलाएं, इसके पीछे का क्या सोच है? देखिए, कोई भी उत्सव, कोई भी परंपरा उसके प्रतीकों से मानी जाती है। अब हमारे घरों में अगर दीपक जलेंगे तो पड़ोसी पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है, तब हम कहेंगे हम बौद्ध हैं और ये हमारा बौद्ध उत्सव है, इसको हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं, इसलिए हम अपने घरों पर दीपक जला रहे हैं। बाबा साहब ने इस दिन हमें आज़ादी दिलाई थी, बरसों बरसों के जो गुलामी थी उसको ठुकरा के बाबा साहब ने आज़ादी और मुक्ति का मार्ग दिया। यहाँ से युवाओं का हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और युवा पीढ़ी पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें होती हैं। प्रधानमंत्री भी युवाओं से लगातार गुजारिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ आप लोग हैं जो भीम की सोच को जनता तक पहुंचा रहे हैं, किसकी कोशिश से ज़्यादा रंग लाने वाली है? मैं आपको इसको 2 मिनट में समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा है मैडम कि बाबा साहब एक बात किया कहा करते थे कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना भी नहीं सकते। तो आज के नौजवान, जैसा कि आप जानती हैं, शिक्षा ले रहा है और शिक्षा लेने के साथ साथ में जब वो इतिहास को पढ़ता है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की ज़्यादा नहीं, NCERT ही पढ़ेंगे, तो उनके माध्यम से आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि जैसे ही मौर्य काल का अंत होता है, बृहद्रथ जो शासक था उसके पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या करता है, तो उसके बाद में एक ग्रंथ लिखा जाता है। उसे हम समझते हैं कि वो एक ग्रंथ था, जबकि वो ग्रंथ नहीं था, वो अल्प लोगों के द्वारा एक ऐसी किताब थी, वो एक पॉलिटिकल ग्रंथ था जिसके माध्यम से सदा सदा के लिए राजपाट चलाया जाए। आप हमेशा देखिए कितने सारे शासक आए, बाहर से भी शासक आए, मुगल आए, दिल्ली सल्तनत के शासक हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऊपर के शासक बदलते थे लेकिन ग्रामीण जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कभी भी नहीं बदली। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह था कि नीचे की भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो एक ही ग्रंथ से चलती थी। हम ये देखते हैं कि चाहे महाराणा प्रताप हुए हों, सम्राट, चाहे ये अकबर हुए हों या औरंगजेब हुए हों, ये सिर्फ वो ऊपर के चेहरे हैं जो दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जब से मनुस्मृति नामक एक पॉलिटिकल ग्रंथ का निर्माण हुआ, उसके बाद से जब से बाबा साहब ने उसको जलाया नहीं, जब तक जो है यही सिस्टम लगातार चलता रहा। बाबा साहब ने इसको सोचा, जैसा कि आप जानती हैं हर चीज़ के पीछे कारण होता है, तो बाबा साहब ने सोचा कि जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी कि भाई इतना असमता है क्यों, क्या किया हमने, या तो कोई ना कोई गुनाह कर दिया, हमने नहीं किया, हमारे पुरखों ने कोई गुनाह कर दिया। तो जब जब बाबा साहब ने इतिहास को टटोरने का काम किया तो तब उन्हें पाया गया कि हमने से गलती ये हुई कि हमने सम्राट अशोक के रूप में शासक बन करके इस देश में समतावादी विचार को लाने का काम किया,
जिससे बहुत सारे ऐसे लोगों के पेट में दर्द हुआ जो लोग असमानता को चाहते हैं। उन्होंने सत्ता पाते ही शुंग वंश के रूप में सत्ता पाते ही मनुस्मृति का निर्माण करके देश में सदा सदा के लिए असमतावादी विचार को लागू करने का काम किया, जिसमें देश की आधी आबादी महिलाएं, देश का 3/4 समाज जिसको बहुजन समाज के नाम से जाना जाता है, वंचित रखा गया। बाबा साहब ने पाया तो बाबा साहब ने सबसे पहले लाखों लोगों के सामने इस ऐसे असमानतावादी ग्रंथ को आग के हवाले जला करके ये करने का काम किया। और आपने जो सवाल पूछा कि नौजवान इस चीज़ को लेकर के आगे इसलिए ही बढ़ रहा है क्योंकि नौजवान ने इतिहास को पढ़ा है, नौजवान ने बाबा साहब को पढ़ा है, और जब उन्होंने पढ़ लिया है तो आप जानती हो कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त कर ली हो उसको कभी दबाया तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो ऐसी चीज़ों को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये जो बौद्ध महोत्सव का जेवर में आयोजन हो रहा है, इसके लिए बौद्ध महोत्सव आयोजन समिति जेवर बनाई गई, जिसमें जेवर के आसपास के तमाम गांवों से नौजवानों को रखा गया, जिसमें हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिनमें खासकर प्रवीण विद्यार्थी जी, भाई कपिल सांत जी, अभिषेक बौद्ध जी, दिनेश मास्टर जी, करण सिंह मास्टर जी, अमित अम्बेडकर जी, संतराम अम्बेडकर जी, तेजपाल सांत जी, अमन बौद्ध जी, कन्हैया लाल जी, ओमवीर जी, गोवर्धन जी और तमाम जो 25 मेंबर हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके आपको इतना सफल कार्यक्रम दिया। तो पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बौद्ध महोत्सव जेवर को शूट किया और जन जन तक पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं, आपका विशेष धन्यवाद। जैसा कि बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि पे बैक टू योर सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, उसमें से अपना कुछ समय, कुछ प्रतिशत अपने समाज को जरूर दें, उसके विकास के लिए जरूर लगाएं। उसी सोच के साथ आज यहाँ से ये पूरा आयोजन किया गया है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि लोग यहाँ आए हैं, यहाँ रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पूरी तरह से एक महोत्सव का जो माहौल है वो देने की कोशिश की जा रही है।